पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब इस कड़ाके की ठंड में सबसे पहले हम अपने बच्चों को सावधानी पूर्वक रखें। आज हम जो सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं वो अस्थमा है। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा आप लोगों में जानोगे कि अस्थमा जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान जब ऑक्सीजन यानी हवा जब श्वास की नली के द्वारा जब हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है तो इन फेफड़ों में पहुंचने से पहले जो श्वसन नली होती है अगर उनमें संकुचन हो यानी अगर आपके श्वसन नली में सूजन आ जाए तो क्या होगा कि आपको श्वास लेने में तकलीफ होने लगेगी और ये एक अस्थमा का रूप माना जा सकता है। जब आपके श्वसन क्रिया में यानी आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो आप समझ लो कि अस्थमा का पहला पहरा है। हम अधिकतर आज के दौर में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग धूल धुआं प्रदूषण में जाते हैं तो क्या होता है कि प्रोटेक्शन को लेते नहीं है। हालांकि इस कोरोना काल में हम जो है एक प्रोटेक्शन के तौर पे एक मास्क पहनना शुरू कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि अस्थमा वाले मरीज के लिए तो काफी असरदायक है। हम क्या गलती क्या करते हैं वो चीज मैं बोलूं कि खासकर जो अस्थमा से पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक विशेष चीज होता है कि वो जब भी घर से निकले तो पूरी तरह अपना शरीर को ढक के निकले। और जब सुबह उठते हैं तो आप डायरेक्ट घर से ना निकले या शाम को डायरेक्ट घर से ना निकले क्योंकि आप जब घर में सो के उठते हो तो आपका शरीर का तापमान जिस समय आप कंबल या रजाई के अंदर रहते हो तो उस समय कुछ तापमान शरीर का अलग होता है। जैसे ही अचानक से आप निकलते हो तो घर से बाहर मत निकलो क्योंकि उस समय आपका रूम टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में दोनों में अंतर होता है जो कि आपके सीधे श्वसन नली पे प्रहार कर सकता है। आपकी श्वसन नली अफेक्टेड हो सकता है और फिर से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो अगर आप इन कड़ाके की ठंड में खासकर जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं वो अगर अपने आप को रिजर्व रखना चाहते हैं कि जब भी वो उठे तो उठने के दौरान कुछ देर तक रूम टेम्परेचर में ही रहे अपने शरीर को बरकरार रखें और जब आप घर से बाहर निकलते भी है तो पूरे शरीर को पैक करके निकले पूरी तरह शरीर को पैक करके निकले और ज्यादा प्रयास करें कि वो घर से डायरेक्ट ना निकलने का प्रयास करें। दूसरी बात कि इसके बचाव के लिए आप बहुत सारे तरीके हैं जो आप इसको बचाव कर सकते हो। इसमें अभी क्या है कि इन ठंड काल में सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो सबसे पहले मैं उन जो बच्चे हैं जो खासकर अभी जो स्टूडेंट्स खासकर ठंड से डायरिया से जो पीड़ित हो जा रहे हैं उनको पेट का दर्द वगैरह जो ऐसा सुनने के लिए आ रहा है तो उन लोगों को मैं डायरेक्ट बोलना चाहूंगा कि आप पूरी तरह अपने आप को केयर करो। आपके मम्मी पापा को बोलो कि भाई आप अपने आप जो है केयर करें क्योंकि अभी बच्चे पे थोड़ी सी भी लापरवाही आपके बच्चों के जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सांप बन सकता है। आप जब भी घर से निकालो तो पूरी तरह उसके शरीर में वस्त्र यानी पूरा स्वेटर और जैकेट के साथ क्लास में भेजो तभी अच्छा रहेगा क्योंकि अधिकतर बच्चे हीरो बनने के चक्कर में क्या होते हैं कि ऐसे ही टी शर्ट वगैरह जैसे देखो वो सुमित ऐसे ही टी शर्ट पहन के आया है तो आप पूरी तरह पैक होके आओ तो ये ठंड से बच जाओगे क्योंकि अभी ये रोटा वायरस एक चला है। ये रोटा वायरस क्या करता है कि आपको आपको पता नहीं चलेगा आपके शरीर में आकर आपके अंदर में बैक्टीरियल ले आता है। ये ठंड रूपी जो बैक्टीरिया है ये आपके शरीर को में प्रभावित करेगा और आपको डायरिया पेट में दर्द और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी में सभी इस चीज को जाने और आप अपने आप को ध्यान दोगे। ओके।